मैं ये बात कह रहा हूँ, भगवान बहुत कुछ देता है, बहुत सारी चीज़ों को उपलब्ध करा देता है, जीवन में बहुत सारे चीज़ उपलब्ध हो जाते हैं। तो ईश्वर की योजना, अभी एक महाकाल की योजना चल रही है, युग परिवर्तन की बेला है। और ये युग परिवर्तन जो है 2026 तक नोट कर लीजिएगा अपने डायरी में, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, गुरुदेव ने लिखा है 2026 तक बहुत कुछ चेंज होने जा रहा है। जो चीज़ अभी आपको हमको दिखाई पड़ रहा है वो भी नहीं दिखेगा। लोगों का स्वभाव बदलेगा, चिंतन बदलेगा, विचार बदलेगा, सोच बदलेगा, लोग अच्छे होंगे, सीधे हो जाएंगे तो अच्छी बात है, टेढ़े तो मजबूरी का नाम आप जानते ही हो, सीधे उंगली से घी ना निकलता है तो टेढ़ा उंगली से घी निकालना पड़ता है। मुंह पर पट्टी लगा दिया भगवान ने कि मुंह पर पट्टी बहुत बोलता है, बकर बकर करता है, चेहरा ज़्यादा चमकाता है, है कुछ दिन है ना, तो मुंह पर लगवा दिया। अब कहा कि भविष्य में ज़्यादा बाद उछल कूद करेगा तो और जगह लग जाएगा, तो फिर कहोगे कि हमको तो पट्टी लगा हुआ है, हम क्या करें। भगवान की योजना है, उसका चीरफार अपने तरीके से चलता है। ईश्वर की लाठी में आवाज लेकिन जब लगता है तो कितने लोग को मैंने तिल मिलाते देखा है, तिल मिलाते देखा है। ऐसा कोई काम ना करो, इस भौतिक दुनिया में इतना भागम भाग मत करिए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, प्रिंस जी हाँ, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। आने वाला समय समाजवाद का है, गुरुजी लिखे हैं, पढ़ लीजिएगा, गुरुजी लिखे हैं। माताजी तो कहिए कि हम फसल लगने नहीं देंगे, अब उनका बात झूठ होगा, हम लोग क्या करें भाई, इसलिए कुछ इधर भी देते जाइएगा, नहीं कि सब अकेले रख लीजिएगा। कहने का मतलब यह है, ये हम नहीं कह रहे, गुरुजी की किताब में पढ़ लीजिए आप, ये गुरुजी ने लिखा है, उन्होंने सारी भविष्यवाणी लिख दी है कि सबको धरती पर आना पड़ेगा, धरती पर ही चलना पड़ेगा, ऐसे ही साधारण रूप में घूमना फिरना पड़ेगा, बहुत अपने को बॉस जमा के बॉसिज्म का जमाना आने वाले समय में नहीं रहेगा, परिवर्तन। और जब कोई चीज परिवर्तन होने वाला होता है तो गुरुजी ने लिखा है, जब आदमी के मरने का समय आता है तो सांस की धड़कने बढ़ जाती है, और जब चींटी के मरने का समय आता है तो पंख लग जाता है, और दीपक जब बुझने लगता है तो उसका लौ, अभी लौ तेज हो गया है ना, बहुत सारा चीज हो रहा है, क्राइम बढ़ गया है, लोगों के जीवन में बहुत सारे चीज ऐसी आ गई है कि लोग का परेशान है। प्रिटेंडेंट के हाथ में 6 अंगूठी, एक अंगूठी नहीं अट रहा था तो उसको तिरछे करके ऐसे पहने हुए था। तो हम तो किसी का नापते हैं कैसे उसका हाल चाल, तो देखते हैं जितना अंगूठी उतना परेशान आत्मा, सब ग्रह इसी को घेरे हुए है। इसलिए भाई देखिए, ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड घनेरे सब गतिवान तुम्हारे प्रेरे, आप ईमानदारी से भगवान के नौका में बैठ जाओ, कोई ग्रह गोचर आपको परेशान नहीं करेगा, कोई ग्रह गोचर है, ग्रहों का काम है, इतने काम बचा हुआ है कि आपको टोचन मारे। दिल्ली में चलिए ना, लड़का सबको 2 चांस में अगर नहीं हुआ तीसरे चांस में ज्योतिषी खोज के पहुंच जाता है। देखिए ज्योतिषी भी बैठा हुआ है दुकान खोल के, सर देखिए 2 चांस आईएएस लगते लगते टपक गया, मोटा मुर्गा है ये, तुम्हारा चंद्रमा भी गड़बड़ है जी, सही बता रहे हैं आपको, चंद्रमा गड़बड़ है, तुम्हारा मन चंचल रहता है। अच्छा जवानी में किसका मन चंचल नहीं रहता है? अब वो चंद्रमा के नाम पर आप दे के जाइएगा, हम गायत्री सिखाएंगे तो नहीं जपिएगा, हम दावे के साथ कहते हैं, बिहार में अगर गायत्री मंत्र से कैसे बोले थे सर, वो ठीक करता है। हम तो कहते हैं एक सबको लूट ले तो बढ़िया है, 10-20 गो अंगूठी पहना दे सबको। हमारे युवा मंडल में वो लड़का आता था, तो युवा मंडल में लड़का आता था तो वो कुछ दिन के बाद उसको कुछ कहा, अच्छा सर भैया ग्रह गोचर होता है? हम कहे हाँ भाई होता है, कहे कहे नहीं होता है? तो मतलब वो प्रभाव डालता है ना, हमको उसके वाइब्रेशन से लगा कि अगर इसको हम समझाएंगे तो दूसरे दुकान पर चला जाएगा ही। तो हम कहे हाँ प्रभाव भी पड़ता है, हाँ हमारी माँ कह रही थी कि तुम्हारा शनि और मंगल दोनों गड़बड़ चल रहा है, कुछ उपाय इसका नहीं है? तो हम कह रहे रोज ध्यान करो, गायत्री मंत्र करो, सब ठीक हो जाएगा। वो तो करते हैं भैया, लेकिन कुछ लगता है उसका प्रभाव है,
अच्छा ठीक है, अच्छा मेधा चूर्ण खाते हो? हाँ भैया मेधा चूर्ण भी खाते हैं। अच्छा, हम कहे अच्छा एक काम करो, स्फटिक का एक माला ले लो, हम क्या जाने ये सब मामला, और गुरुवार को 4 बजे सुबह में जग जाना, पूरब की ओर मुख कर लेना और ध्यान करते हुए इसको पहन लेना, तुम्हारा राहु शनिचर और मंगल दोनों ठीक हो जाएगा। और मैं आपको इस मन से कह रहा हूँ, 1 महीना के बाद वो कहा भैया बहुत